दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, अगर आपका नाम प्रतीक्षा है तो आपके नाम का मतलब बताइए। कैंडिडेट जवाब देती है, सर प्रतीक्षा मतलब इंतजार करना। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक कुएं में 9 मेंढक है जिनमें से 3 मर गए, तो बताओ अब कुन्ने में कितने मेंढक बचेंगे। कैंडिडेट जवाब देती है, सर अगर कुएं में 9 मेंढक हैं जिनमें से 3 मर गए तब भी 9 ही मेंढक बचेंगे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, चाय का सेवन करने के बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। कैंडिडेट जवाब देती है, सर इससे दांतों में पायरिया रोग की आशंका बढ़ जाती है और पाचन क्रिया खराब होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, साढ़ू भाई कौन होते हैं और अंग्रेजी में उन्हें क्या कहा जाता है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर पत्नी की बहन के पति को साढ़ू भाई कहा जाता है, इन्हें अंग्रेजी में ब्रदर इन लॉ कहते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दिन में लगातार 2 बार गायब होने वाले मंदिर का नाम बताइए। कैंडिडेट जवाब देती है, सर श्री स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, इंसान को खूबसूरत बनाने वाला डर कौन सा है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर पाउडर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, उस देश का नाम क्या है जहां केवल 27 लोग रहते हैं। कैंडिडेट जवाब देती है, सर उस देश का नाम सीलैंड है जो इंग्लैंड के सफोल समुद्र तट से करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, गोल है पर गेंद नहीं है, पूंछ है लेकिन पशु नहीं है, बच्चे इसकी पूंछ से खेलते हैं, बताओ यह क्या है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर गुब्बारा, यह गोल है और इसकी पूंछ पकड़कर बच्चे खेलते भी हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक लड़की को देख आदमी ने कहा, इसकी माता का पिता मेरा ससुर है, लड़की उस आदमी की कौन है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर लड़की उस आदमी की बेटी है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक औरत खाली जगह साड़ी पहनकर खाली जगह की पूजा कर रही थी, दोनों खाली जगहों पर एक ही शब्द आएगा, बताएं वो क्या है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर काली। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक लड़की को देख केशव ने कहा, ये मेरे दादा के बेटे की इकलौती बेटी है, उसका केशव से क्या रिश्ता हुआ। कैंडिडेट जवाब देती है, सर वह लड़की केशव की बहन हुई। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर दिन में तारे चमकें और रात में सूरज तो बताएं क्या होगा। कैंडिडेट जवाब देती है, सर हम दोनों के नाम बदल लेंगे और दिन को रात, रात को दिन कहना शुरू कर देंगे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सा जीव है जो बिना भोजन 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर बिल्ली।
एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो कौन सी न्यायिक शक्ति है जो डीएम के पास होती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर उसके पास जिले में धारा 144 लागू करने का अधिकार है। दोस्तों ये सवाल आपके लिए है, आप बताइए कि गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना, हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर जैसलमेर के किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन की गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर क्लोरीन गैस के कारण फूलों का रंग उड़ जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पृथ्वी पर अगर ऑक्सीजन की मात्रा दोगुनी बढ़ जाए तो क्या होगा? कैंडिडेट जवाब देती है, सर अगर हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा दोगुनी हो गई तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े कोकरोच आदि का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा हॉलीवुड मूवी में कभी कभार कीड़ों को बड़े आकार में दिखाया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली प्रथम महिला का क्या नाम है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर जंको तबी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो नाम लेते ही टूट जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर खामोशी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक ऐसा नाम बताएं जिसमें फल फूल और मिठाई का नाम आता है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर गुलाब जामुन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पानी गीला क्यों होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर जल में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन में नमी होती है, इसी नमी की वजह से पानी गीला होता है। दरअसल पानी गीला नहीं होता है, पानी को लेकर हमें जो अनुभव होता है हम उसे गीलापन कहते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा क्या है जो इंसान ले सकता है पर कभी वापस नहीं दे सकता? कैंडिडेट जवाब देती है, सर जान। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी भाषा का नाम बताएं जिसे सीधा या उल्टा बोलने पर एक ही अर्थ निकलता है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर मलयालम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, इंटरव्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर इंटरव्यू को हिंदी में साक्षात्कार कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, लड़कियां शादी के बाद सुंदर क्यों हो जाती हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर शादी के बाद लड़कियां कई कारणों से सुंदर हो सकती हैं। पहला कारण हार्मोनल बदलाव। सभी को पता है लड़के व लड़कियां शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए जाते हैं, जिसके बाद संबंध बनने से लड़कियों के शरीर में हार्मोन रिलीज होता है। यह मुख्य कारण है कि शादी के बाद लड़कियां पहले के मुकाबले और भी सुंदर लगने लगती हैं। यदि कोई शादी का जोड़ा कुछ महीनों तक साथ में रहने लगे तो लड़कियों के शरीर में और भी कई तरह के बदलाव आ जाते हैं, जैसे लड़कियां थोड़ी मोटी भी जाती है, और यह सब हार्मोन के कारण होता है।
दूसरा सदियों के कारण। जो लड़कियां अपने मायके में सिंपल कपड़े पहनती हैं, वही लड़कियां शादी के बाद साड़ियां पहनने लगती हैं, और भारत की नारी जब एक साड़ी पहनती है तो वह दिखने में और भी खूबसूरत लगती है। तीसरा कारण है गहनों के कारण। अक्सर आपने देखा होगा कि लड़कियां हिंदू रस्म में शादी करती है वह ज्यादातर गहना पहनती है, और ऐसे में उनकी सुंदरता काफी हद तक बढ़ जाती है। कई लोग इसके बारे में नहीं मानते हैं क्योंकि कई लोगों को गहने पहनना पसंद नहीं होता है। चौथा कारण है पार्लर जाना। आजकल तो जैसे ट्रेंड बन चुका है ब्यूटी पार्लर में जाने का, और वहां पर आईब्रो से लेकर चेहरे तक के सभी कामों को किया जाता है, जिससे उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। हालांकि कई ऐसी भी लड़कियां हैं जो पार्लर जाना पसंद नहीं करती है, लेकिन हम सभी को पता है ज्यादातर लड़कियां पार्लर जाती है, और वह लोग जब पार्लर से रिटर्न आती है तो वह देखने में काफी सुंदर लगती है। पांचवा कारण है मन की खुशी। आजकल जीवन में उन्हीं का शरीर ग्लो करता है जिनके मन में हमेशा खुशी होती है, इसलिए जब लड़कियां अपने ससुराल में अच्छे से सेटल हो जाती है तो वह हमेशा खुश रहती है, और यही कारण है वह शादी के बाद ज्यादा सुंदर दिखती है। अगला कारण उम्र का बढ़ना। आपने देखा होगा कि जब लड़कियां 25 से 35 की उम्र में होती है तब उनका शरीर और भी भरा भरा लगता है, क्योंकि यही एक उम्र होती है जब लड़कियां साड़ी पहनती है तो काफी ज्यादा सुंदर लगती है।